हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिज़ाइन दिस वीडियो व्यू फॉर आर एप्लीकेशन। मींस ये जो आइकन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड उसके बाद उसका नेम एंड उसके बाद फोल्डर का नेम एंड उसके बाद उसकी ड्यूरेशन, सो ये जो एक सिंगल व्यू है इसे हम लोग डिज़ाइन करने वाले इस वीडियो में एंड फ्यूचर में इसका यूज़ करेंगे। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो वीडियो व्यू डिज़ाइन करने से पहले मैंने कुछ स्ट्रिंग्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी पेस्ट कर रखी है, ये जो चार स्ट्रिंग्स है, जिससे टाइम वेस्ट ना हो। सो आप इन्हें देख सकते हो, एक वीडियो नेम है एंड फोल्डर नेम एंड उसके बाद ड्यूरेशन एंड उसके बाद इमेज। ओके, अब वीडियो व्यू डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले लेआउट्स पे आ जाओ एंड राइट क्लिक ऑन इट, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल एंड जस्ट गिव एनी नेम टू इट। इन आर केस आई एम नेमिंग इट वीडियो अंडरस्कोर व्यू एंड ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है मैं इसे चेंज करके लीनियर लेआउट यूज़ करने वाला हूँ एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। ऑल राइट, एंड विड्थ मैच पैरेंट, हाइट रैप कॉन्टेंट एंड लीनियर लेआउट वर्टिकल से मैं इसे हॉरिजॉन्टल में चेंज करने वाला हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ पैडिंग भी चाहता हूँ, इंटरनल पैडिंग, सो पैडिंग 2 dp। एंड आफ्टर दैट इसके अंदर अभी मैं इमेज व्यू का यूज़ करने वाला हूँ, सो इमेज एंड यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है मटेरियल इमेज व्यू एंड मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। ओके, एंड इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 70 dp एंड इसकी जो हाइट होगी उसे मैं रखने वाला हूँ 50 dp एंड आप अपने हिसाब से कस्टम रख सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। एंड ठीक है, सो इसके लिए आइकन भी सेट कर देते हो, SRC एंड लेट्स से वीडियो दिस वन मिप मैप वीडियो प्लेयर। ओके, एंड ये आइकन मैंने सेट कर दिया है एंड उसके बाद इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी सेट करते हैं, सो जस्ट इमेज। ओके, कंटेंट डिस्क्रिप्शन तब काम आता है जब इमेज लोड ना हुई हो, तो वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखाता है। एंड ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो आइकन है ये साइड से थोड़ी सी कर्व्ड होनी चाहिए। ओके, ये ऐसे बॉक्स में नहीं दिखनी चाहिए, सो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। सो जस्ट क्लिक ऑन वैल्यूज, राइट क्लिक ऑन इट, न्यू वैल्यू रिसोर्स फाइल। सो पहले फाइल का नेम दे देता हूँ एंड मैं इसका नाम रख लो कस्टम स्टाइल। ओके, एंड ऑल राइट, जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड इस रिसोर्स के अंदर मैं कुछ लिखने वाला हूँ, मैं इसके अंदर एक स्टाइल डिक्लेयर करने वाला हूँ, सो स्टाइल एंड ये कर्व स्टाइल होने वाली है, मीन्स मैं उसका नेम कर्व दे रहा हूँ क्योंकि ये कर्व करती है चीज़ों को। एंड उसके बाद इसके अंदर आइटम एंड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसका नेम है कॉर्नर साइज एंड आप इसे कम ज़्यादा करके देख सकते हो, मैं इसे 15% रखने वाला हूँ। ओके, मीन्स 15% कॉर्नर कम होना चाहिए, सिंपल इतना मीनिंग है इसका। एंड वीडियो व्यू में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे शेप अपीयरेंस ओवरले प्रॉपर्टी एंड मैं इसे रखने वाला हूँ कर्व्ड या हाँ। ओके, सो मैंने वहाँ पे एक स्टाइल डिक्लेयर किया कर्व्ड एंड मैंने उसे सेट कर दिया, विच मीन्स ये जो इमेज है इसके आसपास का बॉर्डर कर्व्ड होगा। ओके, जब रियल में हम लोग इसे यूज़ करेंगे, अभी फिलहाल ये दिखाई नहीं दे रहा उतना। एंड उसके बाद अब नेक्स्ट जो थिंग है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे उसका वीडियो का टाइटल दिखाई देना चाहिए, उसके नीचे उसका फोल्डर, सो मैं एक लीनियर लेआउट का और यूज़ करने वाला हूँ, लीनियर लेआउट, और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी मैच पैरेंट फिलहाल के लिए एंड हाइट रैप कॉन्टेंट एंड ऑल राइट। एंड मैं इसे यहाँ क्लोज नहीं करना चाहता। ओके, एंड इसके अंदर अब मैं दो टेक्स्ट व्यूज का यूज़ करूँगा, सो टेक्स्ट व्यू एंड इसकी जो विड्थ होगी वो होगी मैच पैरेंट एंड उसकी जो हाइट होगी वो मैं उसे 30 dp प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, एंड इसे मैं कॉपी कर लूँगा बाद में एंड यहाँ पे टेक्स्ट भी सेट कर देता हूँ, वीडियो नेम, ये स्ट्रिंग मैंने ऑलरेडी बना रखी है एंड जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट इट डाउन एंड इसे मैं 30 to 20 करने वाला हूँ एंड इसकी स्ट्रिंग होगी फोल्डर नेम। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ, सो टेक्स्ट कलर ब्लैक एंड इसका टेक्स्ट कलर जो है वही रहने देता हूँ बाय डिफॉल्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे एक एरर दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने इसकी ओरिएंटेशन अब तक सेट नहीं की है, सो सेट ओरिएंटेशन टू हॉरिजॉन्टल, एक्चुअली मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकल चाहिए। ओके, मीन्स टॉप डाउन दिखाई देना चाहिए एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऊपर साइड में, ये थोड़ा नीचे मीन्स सेंटर में होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। सो अलाइनमेंट या ग्रेविटी का यूज़ कर सकते हो आप,
ग्रेविटी एंड सेंटर वर्टिकल मीन्स सेंटर एंड वर्टिकल में सेट हो जाएगा एंड आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। एंड इसके बाद हमें एक और टेक्स्ट व्यू का यूज़ करना है ड्यूरेशन शो करने के लिए। सो टेक्स्ट व्यू एंड उसकी जो विड्थ होगी, इस समय के लिए मैं रैप कंटेंट रख रहा हूँ, मीन जितना उसका कंटेंट हो, एंड उसकी हाइट 50 dp। ओके, एंड अगर आप यहाँ देखोगे तो एंड में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ओके, क्योंकि हमने इसके लिए कुछ सेट नहीं किया। सो मैं इसमें टेक्स्ट सेट करता हूँ पहले, टेक्स्ट कलरलेस से ब्लैक एंड टेक्स्ट, एंड मैं इसका जो टेक्स्ट है मैंने ऑलरेडी बना रखा है। सो ड्यूरेशन, ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 00s दिखाई देगा आपको, एंड आई होप ये दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं इस साइड में करता हूँ। अब ये इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो लीनियर लेआउट है पूरा स्पेस कवर कर ले रहा है। सो मैं इसे मैच पैरेंट से हटा के 0 dp करने वाला हूँ। अब आप देखोगे यही दिखाई दे रहा, लीनियर लेआउट ही नहीं दिखाई दे रहा। सो मैं इसको वेट प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो लेआउट वेट एंड विच इज़ 1, विच मीन्स जितना स्पेस अवेलेबल है उतना आप ऑक्यूपाई कर लो, एंड दैट्स इट। ये दिखाई दे रहा बट मैं यहाँ नहीं चाहता, ये सेंटर में होना चाहिए। सो सिंपली यूज़ ग्रेविटी एंड विच इज़ सेंटर, ओके, एंड ये हमारा काम कर देगा। एंड आई थिंक हमारा व्यू तैयार हो चुका है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनल पैडिंग भी चाहता हूँ, ये इतना क्लोज नहीं होने चाहिए। सो जस्ट गिव पैडिंग टू दिस, पैडिंग हॉरिजॉन्टल एंड लेट्स से 2 dp एंड आई होप इट विल लुक नाइस। सो हमारा वीडियो भी तैयार हो चुका है एंड मैंने IDs भी प्रोवाइड कर ही देता हूँ अभी के लिए। सो मैं इसे भी कुछ एक ID देने वाला हूँ, ID एंड विच इज़ वीडियो इमेज, एंड आफ्टर दैट इसे भी मैं एक ID प्रोवाइड कर देता हूँ, ID वीडियो नेम, ओके, मीन्स टाइटल, एंड उसके बाद फोल्डर नेम, इसके लिए ID फोल्डर नेम, एंड इसे भी मैं एक प्रॉपर्टी और सेट कर देता हूँ, दिस ग्रेविटी। सो ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल, एंड आफ्टर दैट इसके लिए भी एक ID, सो ID एंड ड्यूरेशन एंड दैट्स इट। सो हमारा व्यू प्रॉपरली डिज़ाइन हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।